नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है लोगों के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जैसे कि लोगों के जानकारी बढ़ गए कि बिहार राजनीतिक रूप से पूरा जागृत हो गई बुड़ुए, और जागृत होकर के कारण भी बुड़ुए कि बिहार में चुनाव से पहले चुनावी चर्चा शुरू हो गई बुड़ुए। गठबंधन के बात कहीं या पार्टी के बात कहीं या प्रत्याशी के बात कहीं, सब लोग अपन अपन तैयारी शुरू कर बुड़ुए। यह तैयारी में महागठबंधन अगर कोनो दल थोड़ा सा 19 होता तो दूसर का दल बहुत ज्यादा 20 होते हुए हैं। बात करते नहीं हम वीआईपी पार्टी के, वीआईपी पार्टी के जो प्रमुख वाले मुकेश सहनी, वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे बड़े, युवा जोश भी उनका में बढ़ हुए और वो काफी तेजी से अपना पार्टी के विस्तार करे में लागल बढ़े। बूथ स्तर तक कह ली या भी फिर जहां तक कह ली, उनका पार्टी में लगातार लोग जुड़ते हुए और छोटा छोटा कार्यक्रम भी अगर करावते रहे तो बहुत भारी संख्या में लोग जुटते हुए। यह बात से वह इनकार ना कर सके, चूंकि राजनीतिक रूप से वो भले पार्टी बनौले हो खस 6 महीना पहले, लेकिन उनकर राजनीतिक सक्रियता जो बा 2014 से पूरी तरह से शुरू हो गई रहे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत जगह से मंच पर साझा कैले रहन, भारतीय जनता पार्टी खातिर वोट भी मांगले रहन। एक साथ साथ वो अपना समाज के आरक्षण दियावे खातिर एगो संगठन बनैले रहन, निषाद विकास संघ। वो संघ से वो पूरा बिहार भर में या कहीं तो बिहार से बाहर भी संगठन के बहुत मजबूत कैले बड़े। उनकर मजबूती ऐसे नजर आई कि जब उनका के लेके अब तक कहीं कोई सीट के फैसला नहीं कहल महागठबंधन में, इहो सीट के फैसला नहीं कहल कि कितना सीट पर लड़ी, लेकिन महागठबंधन के सबसे बड़ घटक दल और जिनका के सुप्रीम बॉस कहा जाला लालू प्रसाद, लालू प्रसाद के सुपुत्र बिना लालू प्रसाद के इजाजत के ना कैले हुई हैं। उड़ुआ के बात बता देते नहीं कि लालू प्रसाद के स्वीकृति बढ़ुए कि मुकेश सहनी जहां अंगुरी रखे बड़े, जहां सीट लड़ल चाहते रहे वजह से उनका लड़वा दिया। यह बात खाती मुकेश सहनी खुद लालू प्रसाद से जाकर रांची में मिल रहा। जैसे ही तेजस्वी यादव अपना यात्रा के शुरुआत के लिए आरक्षण बढ़ाओ और बेरोजगारी भगाओ, वह यात्रा के प्रथम दिन और प्रथम दिन वो इतना बड़ा बम ब्लास्ट कैले मुकेश सहनी के दरभंगा में स्थापित करके अपना मंच पर मुकेश सहनी के खड़ा कैले और जनता के बीच में यह बात के दिखा दिले कि मुकेश सहनी ही धार नेता हुई हैं। स्पष्ट तो ना एक बात के कहल गई, लेकिन मंच पर मुकेश सहनी के होना यह बात के गवाही देता कि राजद वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के दरभंगा सीट दे चुकल बुड़ुए। ये बात के लेके कई हाली वीआईपी पार्टी के भी दावेदारी भइल, चाहे मुकेश सहनी के तरफ से कहली या छोटू सहनी के तरफ से कहली। छोटू सहनी जौन राष्ट्रीय महासचिव बाड़े और प्रवक्ता भी बाड़े पार्टी के, वो दावा ठोक के कहले कि हमार खूंटा दरभंगा में गड़ा गई बुड़ुए। मुकेश सहनी भी ये बात आज ये बात के कहले है, समय रहल है रुआ देख लही हो कब न्यूज बिहार और भारत लाइव पर लगातार हमें देखा होते जा कि आज जदयू के एक बड़ा धड़ा एक बड़ नेता के वो तोड़ के ले गया है, और उनका पार्टी में शामिल होके के साथ साथ एगो बहुत बड़ बात जदयू से आयल प्रत्याशी, माफ करब जदयू से आयल जोन नेता रले हा, उ काराकट से पूर्व में चुनाव लड़ चुकल बड़े, उ सीधे सीधे अले हा तो वीआईपी पार्टी में, लेकिन उ सीधे ई बात कहले हा कि काराकट में आरएलएसपी के यानी उपेंद्र कुशवाहा के जितना मदद के जरूरत हुई हम उनका के मदद खातिर तैयार बनी। ये बहुत बड़ बात बोलू खास करके महागठबंधन का थी। अब यह बात के रुआ बता सकीले कि महागठबंधन में कौना तरह के गेम बोलुए, मुकेश सहनी के दरभंगा ले जाके खड़ा कर दिले तेजस्वी यादव आरजेडी, और उनका पार्टी में शामिल होके वाला लोग मदद करे खातिर तैयार बढ़ुए आरएलएसपी यानी उपेंद्र कुशवाहा के, तीन लोग के समर्थन यानी कि एक आपन समर्थन और दो पार्टी के और महागठबंधन के समर्थन मुकेश सहनी के मिल चुकल बुड़ुए। एक मतलब कि मुकेश सहनी के खूंटा जबर तरीका से दरभंगा में गड़ा गई बुड़ुए, और ये बात मुखर होकर कहतो बड़े कि अगर समझौता कोई के करे के पड़ी तो मुकेश सहनी ना करी है, समझौता कीर्ति झा आजाद और कांग्रेस के करे के पड़ी। 15 तारीख के कीर्ति झा आजाद शामिल होकर के घोषणा भी कर चुकल बड़े, ओकर खुशी भी जाहिर कांग्रेस कर चुकल भी है। आगे देखिए महागठबंधन में का होते हुए, लेकिन एक बात तो तय हो गई कि बिहार में और कोई सीट कहीं तय होके चाहे मत होके मुंगेर कांग्रेस के हो गई यानी कि अनंत सिंह के, और दरभंगा सीट वीआईपी हो गई यानी कि मुकेश सहनी के। अनंत सिंह और मुकेश सहनी के दू गो सीट तय मानल जाते हुए महागठबंधन से,
बाकी के सीट के अब देखिए फैसला का हुई, ऐसे कि इन्हें जीतन राम मांझी भी कुछ गुड़मुड़ गुड़मुड़ करते रहे। इस सब बात के फैसला 18 तारीख से पहले हो जाए बोलू, ऐसे कि 18 तक ले अल्टीमेटम बोल गए। अल्टीमेटम दे वाला के नाम रोज जानते बानी जीतन राम मांझी। अब स्थिति ये बा कि महागठबंधन में 2 सीट फाइनल बढ़ुए और मुकेश सहनी आज यह बात के दावेदारी के पक्का भी कर दिले बड़े। फिर मिले के वादा के साथ गोर लगा था। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।